सो गाइस, गर्मी का मौसम आ चुका है और खीरा कहीं ना कहीं आपका भी फेवरेट होगा। तो आज हम देखेंगे कि एक खीरे के पेड़ को बनने और खीरा आने में कितना समय लगेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार, पहले भाई ने क्या किया कि बीज को लेकर मिट्टी के अंदर डाल लिया और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा पानी भी डाल के भाई ने छोड़ दिया है अभी के लिए। और अभी दो दिन तीन दिन हो चुके हैं गाइस, और नीचे की साइड थोड़ा थोड़ा खीरा आने स्टार्ट भी हो चुका है। मतलब कि खीरे का पेड़ जो बेल जो होगी वो आने धीरे धीरे स्टार्ट हो चुकी है। और अभी के लिए यार 10 दिन हो चुके हैं और खीरा का पेड़ धीरे 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 ऊपर की साइड। तो गाइस, धीरे धीरे खीरे की बेल ऊपर की साइड बढ़ती जा रही है। 25, 26, 27, 28 दिन हो चुके हैं और अभी तक मुझे तो खीरा कहीं नजर नहीं आ रहा है यार। आपको भी शायद नहीं आ रहा होगा। तो अभी बढ़ते आगे, अभी बढ़ रहा है पेड़। 30 दिन हो चुके हैं। तो गाइस, फाइनली 36 दिन पूरे हो चुके हैं हमारे खीरे की बेल को। और भाई क्या कर रहा है कि जिससे खीरे की बेल नीचे ना गिरे, इसके साथ एक लकड़ी को अटैच कर रहा है। मतलब कि खीरे की बेल को उससे बांध रहा है। वेरी गुड यार, अच्छा कर रहा है भाई, जिससे हमारे खीरे अच्छे से आ सके। तो अभी बढ़ रहे हैं आगे, 40 दिन हो चुके हैं यार हमारी खीरे की बेल को। फाइनली गाइस 45 डेज हो चुके हैं और खीरे धीरे छोटे छोटे आने भी स्टार्ट हो चुके हैं यार। तो गाइस, फाइनली 50 से 55 दिनों के अंदर खीरा बनकर रेडी हो गया। अगर आपको भी खीरा फेवरेट है तो कमेंट बॉक्स में यस और नो लिख कर जाना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।